सबसे पहले बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां पर शहर पानी पानी हो चुके हैं क्योंकि भारी बारिश ने जनजीवन पूरी तरह से ठप कर दिया है। कल से हुई बारिश देर रात तक जारी रही। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर हालात काफी ज्यादा गंभीर है और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं स्थानीय लोग किस कदर परेशानी में है, हालात क्या है। पुणे में पूरी तरह से जिंदगी ठप हो गई है। ये महाराष्ट्र पर नया संकट है। भारी बारिश ने जिंदगी पर ऐसा कहर बरपाया है कि राज्य के कई जिलों में हालात बेकाबू हो गए हैं। मुंबई में झमाझम बारिश हुई तो जगह जगह सड़कों पर गंभीर हालात हो गए। बारामती में आसमानी आफत टूटी तो वजनदार कारें भी तिनके की तरह लहरों में बहने लगी। लेकिन सबसे गंभीर हालात दिखे पुणे में। पूरा शहर पानी में तब्दील हो गया। थाने में पानी ही पानी है। क्या इंसान क्या भगवान, इस मूसलाधार मुसीबत से कोई नहीं बच सका। पुणे में भारी बारिश के बाद लहरों ने रौद्र रूप धारण कर लिया। सड़कों पर उफान दिखने लगा। जो भी इनके रास्ते में आया उसे लहरें बहा ले गयी। पुणे के इंद्रपुर इलाके में तेज बारिश के बाद छोटे छोटे नाले उफान पर आ गए। लहरों की चपेट में आकर एक बाइक सवार फंस गया। देर तक जेसीबी की मदद से उसका रेस्क्यू ऑपरेशन चला, तब उसकी जान बच पाई। पुणे में कल दिन से ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हालात बिगड़ते गए। एक जगह तो कार भी इन उफनती लहरों का शिकार हो गई। पुणे सोलापुर हाईवे बंद हो गया। उजनी बांध से भीमा नदी में पानी छोड़े जाने की वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए। इसी दौरान सड़क से गुजरती ये कार लहरों का शिकार हो गई। अब पुणे के इस थाने का हाल देख लीजिए। भारी बारिश के बाद पूरा थाना पानी से लबालब हो गया। थाने में हर तरफ बाढ़ की लहरें घूमने लगी। नौबत तो ये आ गई कि पुलिस कर्मियों को टेबल के ऊपर बैठकर खुद को इससे बचाना पड़ा। बारिश की मुसीबत से इंसान तो परेशान हुए ही, भगवान का डर भी नहीं बच सका। पुणे के दगड़ू सेठ गणेश मंडल के बाहर की सड़क का हाल देख लीजिए। लगता नहीं यहाँ कोई सड़क भी है। पानी की लहरें ऐसे दौड़ रही हैं जैसे कोई दरिया हो। ऐसे ही हालात बारामती में भी देखने को मिले। लगातार 3 घंटे की बारिश ने शहर की सूरत बिगाड़ दी। इंदापुर तालुका में सड़क पर खड़ी कई गाड़ियों को लहरों ने शिकार बना लिया। लोग बेबस होकर गाड़ियों को बहते देखते रहे। जानकारी के मुताबिक बारामती में कई पुल बह गए। मुंबई में भी बीती रात आफत की तस्वीर दिखी। महानगर के अलग अलग इलाकों में इस आफत की तस्वीरें देखने को मिली। सड़कों पर सैलाब का राज हो गया। कहीं गाड़ियां फंस गईं तो कहीं लोग सड़कों पर जलभराव से परेशान नजर आए। इन सब के बीच आफत खत्म होने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने मुंबई, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग समेत कई इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया है। मुंबई से एजाज खान, बारामती से वसंत मोरे और पुणे से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। और अब आपको पुणे की तस्वीर भी दिखा देते हैं क्योंकि महाराष्ट्र के पुणे में बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। शहर की सड़कें पूरी तरह से दरिया बन गई हैं। हमारे सहयोगी पंकज खेलकर की ये रिपोर्ट देखिए। तो लगातार बारिश ने पुणे के हाल बेहाल कर दिए हैं। 4 या 5 ऐसे इलाके हैं जहां कुछ निचले इलाकों में बहुत ज्यादा पानी हो गया है। मैं फिलहाल पुणे के बहुत ही पॉश ऐसे कोरेगा पार्क इलाके में हूँ और आप देख सकते हैं कि 5 सितारा, बड़ा सा 5 सितारा होटल यहाँ पर है और उसके बगल वाले लेन में ही आप देखिए तो पूरा पानी ही पानी है। और ऐसा ही नजारा हर एक गली में इस कोरेगांव पार्क और खास करके मंगलदास रोड इलाके में दिखाई दे रहा है। सोसाइटी में पानी है, गैराज में पानी है, बेसमेंट में पानी है और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सड़क जो है कमर जितना पानी यहाँ पर है। अभी अभी आपने देखा कि कुछ लोग यहाँ से चलते हुए आ रहे थे तो कुछ लोग यहाँ से जाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन मुश्किल जा रहे हैं। आप बताइए, रुके हुए हो आप यहाँ पर? जी हम बहुत सारा टाइम से रुके यहाँ पे। जाने का तो कोई रास्ता नहीं है हमारे पास दूसरा। और इतना पानी जो है ये तो कभी अक्टूबर में तो कभी देखा नहीं है। जून जुलाई में बारिश के मौसम में तो दिखता रहता है लेकिन ये अक्टूबर में पहली बार इतना पानी देख रहे हैं। ये तो पूरा बारिश का पानी कम या ड्रेनेज का पानी ज्यादा देख रहा है। अभी कैसे जाएंगे? अभी दूसरा कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे तो कोई होड़ी भी नहीं है, कुछ नहीं तो हमको चले जाना पड़ेगा।
तस्वीरें जहां पर पानी के बीच में किस तरीके से बाइक सवार फंस गया। हालात ऐसे हो गए कि जेसीबी की मशीन की मदद से उसको बहते दरिया के बीच में से बाहर निकालना पड़ा। और बहता दरिया इसलिए क्योंकि भारी बारिश की वजह से सड़कों में हालात बिल्कुल ऐसे ही हैं। लहरों के बीच ये शख्स फंस गया। तमाम ऐसे इलाके हैं, चाहे वो पौश इलाके हों चाहे दूसरे इलाके हों, हर जगह पर भारी बारिश की वजह से सड़कें डूबी हुई हैं। तालाब जैसा मंजर है, दरिया बन चुकी हैं सड़कें, हाईवे पर पानी ही पानी है और किस कदर वहां पर हालात बन गए हैं भारी बारिश की वजह से, वो जरा इन तस्वीरों में देखिए। मरीन ड्राइव का इलाका हो, हिंदमाता का इलाका हो, कुर्ला का इलाका हो, किंग सर्कल हो, भाईखला हो, हर जगह पर ये मुंबई की तस्वीरें, मुंबई के अलग अलग इलाकों से हालात एक जैसे। भारी बारिश के बाद किस तरीके से सड़कें दरिया बन गई, परेशानियां लोगों के लिए। 24 घंटे में जारी किया गया येलो अलर्ट की चेतावनी भी दी गई। पहले की ये तस्वीरें जो कि हम आपको दिखा रहे हैं, हालांकि अभी जो खबर आ रही है वो ये कि हालात थोड़े सामान्य हुए हैं, लेकिन मौसम विभाग ने भी अलर्ट अभी जारी रखा है। और हैदराबाद में भी कुछ हाल बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि दो दिन बाद वहां भी पानी में किस तरीके से जिंदगी एक तरीके से तरबतर हो गई, वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। आशीष मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, अभी क्या तस्वीरें हैदराबाद की, क्या हाल है वहां पर? जी नवजोत, अगर मैं आपको बताऊं तो हालात में कोई खास तब्दीली नहीं हुई है, बस एक राहत की बात है कि बारिश थम चुकी है। बट लेकिन अगर हम बात करें फ्लडिंग की, जल भराव की, तो आप देख सकते हैं हम नदीम कॉलोनी एरिया में है, ये तोली चौकी शहर के बीच का हिस्सा है, और देखिए कैसे यहाँ पर पूरी की पूरी कार डूबी हुई है और कितनी ज़्यादा जल भराव है। अभी यहाँ पर NDRF की टीम है, NDRF की टीम के लोग यहाँ पर राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं, बोट से एक एक कर यहाँ परिवारों को निकाला जा रहा है। कई सारी महिलाएं और बच्चे इस पूरे एरिया में, करीब 100 से 200 घर हैं यहाँ पर, वो लोग सारे लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं और उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। NDRF की पूरी टीम यहाँ पर, दो बोट्स हैं, दोनों बोट्स की सहायता से इस नदीम कॉलोनी एरिया से लोगों को निकालने का प्रयास कर रही है। 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं नवजोत बारिश के थमे हुए, लेकिन ये हालात बयां करती है कि हैदराबाद में कितनी भारी बरसात हुई और किस तरीके से बाढ़ या सड़कों पर नदियां बहने लगी हैं। अगर हम बात करें दूसरे इलाकों की, चंद्रायन गुट्टे इलाकों में भी अभी भी इसी तरीके का जलभराव है, उप्पल में भी इसी तरीके का जलभराव है, और खास तौर पे जो जलभराव है वो जो रेजिडेंशियल इलाके हैं, रिहायशी इलाके, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जलभराव है। अभी इस एरिया के सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी, हैदराबाद के सांसद हैं, उनके यहाँ विजिट करने की प्रयास है, वो उम्मीद है कि यहाँ पर वो विजिट करेंगे। जो म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर हैं KT रामाराव, वो यहाँ पर विजिट करेंगे। लेकिन हाँ, ये तो साफ है कि यहाँ पर लोग जो हैं काफी ज्यादा संख्या में हैं। अभी राहत और बचाव कार्य की जो स्पीड होनी चाहिए थी उसमें थोड़ी उतनी स्पीड नहीं है, अभी भी बहुत सारे लोगों को निकालना बाकी है। कल पूरी रात NDRF की टीम ने काम किया, स्टेट गवर्नमेंट और हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की टीम ने काम किया, बट अभी भी बहुत से लोग फंसे हुए हैं। बिल्कुल, भारी बारिश की वजह से हालात के, और तस्वीरें भी हम देख रहे हैं आशीष, वहां पर कमर से ज्यादा तक का पानी है जहां पर आप भी खड़े और आसपास के लोग भी जो वहां से गुजर रहे हैं, और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू टीम अपना काम पूरी तरह से मुकम्मल